नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे कि यूडाइस पर अपन नए बच्चे को कैसे ऐड करते हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी। जो भी अपने 2324 के जो नए बच्चों को एडमिशन हुए हैं उन बच्चों का एडमिशन अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन यूडाइस लॉगिन करेंगे अपनी। यूडाइस लॉगिन करने के बाद में प्रोफाइल पे अपन जाएंगे, यूडाइस प्रोफाइल पे। यहाँ से अपन को अपनी यूडाइस लॉगिन करनी है। यूडाइस लॉगिन करने के बाद अपन को बच्चे की डिटेल्स अपन को एडिट करनी है, अपडेट करनी है। बच्चे की नए बच्चे की डिटेल्स अपन को ऐड करनी है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे स्टूडेंट जो मेन्यू शो कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे। 2324 सेशन में अपन को बच्चे की डिटेल्स ऐड करनी है। तो ये अपने पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है जिसमें स्कूल डाटाबेस है। स्कूल डाटाबेस में अपन को नए बच्चे की डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे अपन एक कोई भी क्लास अपन ले लेंगे, जैसे नर्सरी क्लास अपन ले लेते हैं, उसमें नए बच्चे के अपन डिटेल ऐड करेंगे। नर्सरी क्लास में ये जैसे अपन ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक करते ही, तो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे नर्सरी क्लास है। नर्सरी क्लास पे अपन ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही ये इंटरफेस अपने सामने ओपन होगा जिसमें फॉर्म अपने सामने खुलेगा। इस फॉर्म में अपनी पूरी डिटेल्स बच्चे की डालनी होगी। जैसे मैं एक कर देता हूँ, कोई भी बच्चा एक डाल देता हूँ रेंडमली, निर्भय। निर्भय शेखावत, और निर्भय शेखावत अपन ने ले लिया। मेल है बच्चा, CDO भी है, 26/01/2021। स्टेट कोड अपन को जरूरत नहीं है। मदर्स नेम अपन ले लेते हैं अनीता कंवर, अनीता कंवर मदर्स नेम ले लिया। फादर्स नेम अपन ले लेंगे महिपाल सिंह शेखावत, ठीक है। गार्जियन नेम की जरूरत नहीं है। आधार नंबर अपने पास है तो अपन डाल सकते हैं, नहीं है तो अपन एक बार रेंडमली 99 करके अपन 12 बार डाल देंगे, तो ये आधार नंबर अपना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस पूछा है, तो एड्रेस कोई भी एड्रेस, मतलब जब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी एड्रेस अपना डाल दीजिएगा। जोगियों की खोली, ठीक है। पिन नंबर अपन डाल देते हैं, मोबाइल नंबर गार्जियन के मोबाइल नंबर है आपके पास तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई कॉल बात नहीं, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये मदर टंग अपन को डालनी है, हिंदी 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 अपन ने मदर टंग डाल दी। और ये जर्नल डाल दिया, ये नीचे कर देता हूँ, ये अपन इसका मैंडेटरी यूज चेक डालेंगे। मैंने डाल दिया जनरल डाल दिया, मैंने डाल दिया। BPL से है नहीं ये बच्चा, और EWS भी नहीं है, डिसएडवांटेज। ये CWSM भी नहीं है, CWSNM भी नहीं है, और द स्टूडेंट नेम इज नेशन यस नो। और ये अपना ब्लड ग्रुप पूछता है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन अपन डाल दिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप मैंने अंडर इन्वेस्टिगेशन डाल दिया है। ये सारी डिटेल अपन ने बच्चे की फिल कर दी है। फिल करने के बाद अपन ऐसे यहाँ से अपन इसको सेव क्लिक करेंगे। सेव करते ही अपने को पूछा जाएगा कि ये जो आपने डिटेल डाली है वो आपकी एडिटेबल नहीं होगी, क्या नहीं होगी, कौन कौन सी डिटेल एडिटेबल नहीं होगी। स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, DOB हो गई, ये जो भी डिटेल्स है ये एडिटेबल नहीं होगी। तो अपन दोबारा से चेक कर लेंगे। निर्भय को शेखावत है, तो निर्भय शेखावत की स्पेलिंग चेक कर लेंगे, निर्भय शेखावत। और महिपाल सिंह शेखावत, महिपाल सिंह शेखावत। और अनिता कंवर, अनिता कंवर है। और ये DOB है बच्चे की, DOB 26/01/2021, ठीक है। ये कंफर्म है तो यहाँ से अपन कंफर्म कर देंगे, ठीक है। नया बच्चा ये बोल रहा है कि दिस स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड सेव सक्सेसफुली, डिटेल्स आ गई बच्चे की पूरी की, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो नए बच्चे की अपन डिटेल एड कर पाएंगे। नेक्स्ट में अपने सामने दूसरा फॉर्म खुलेगा, दूसरा फॉर्म खुलेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन अपन ने डाल दिया, देखिए यहाँ से अपने स्कूल डाटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे VPN मैनेज पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये निर्भय आ गया, ये निर्भय से कहा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन अपन ने एड स्टूडेंट कर दिया है, ठीक है, इन प्रोग्रेस है। अब जब तक अपन EP और FP इसका पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक ये बच्चा फाइनलाइज नहीं होगा। तो ये अपन ने सीखा है कि कैसे अपन इस
यूडाइस पोर्टल पे अपन नए बच्चों को ऐड कर सकते हैं जिसका अभी इसी सेशन में अपने पास एडमिशन हुआ है। इस तरीके से अपन नए बच्चे का एडमिशन कर सकेंगे। यहाँ पे ये क्लास में ये बच्चा शो कर जाएगा, आप देख सकते हैं अभी निर्भय का अपन ऐड किया था वो ये निर्भय शो कर रहा है। नेक्स्ट अपन आगे के जो फॉर्म्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आगे की फॉर्म्स अपन फिलअप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।